अंग फेलियर की जो बीमारियां हैं वो बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं। आपने देखा होगा अगर उनको या तो लीवर फेलियर में तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, और जो पर्टिकुलरली किडनी फेलियर में वो लोग डायलिसिस जब होता है तो आपने देखा होगा पूरा पूरा दिन लग जाता है, उसके सारे घर वाले भी परेशान रहते हैं। ऑर्गेन ट्रांसप्लांट किसको बोलते हैं कि ऑपरेशन करके एक बंदे का अंग निकाल करके दूसरे के अंदर लगा देना, उसको ऑर्गेन ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ऑर्गेन डोनेशन जो मैंने पहले ही बताया कि गिफ्ट है। कॉमन बीमारियां कौन सी है जिनसे अंग फेल हो जाते हैं? किडनी के अंदर बताइए कौन सी बीमारियां जिससे अंग फेल हो जाते हैं। हमारे देश में डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये बहुत कॉमन बीमारियां है जिनसे हमारे अंग फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है। लिवर के अंदर जो ड्रिंक करते हैं बहुत ज्यादा, जो हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी इस तरह के इंफेक्शन आ जाते हैं, सिरोसिस हो जाता है, लिवर फेल हो जाता है। अब मैंने पहले बताया कि कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं, तो किडनी हो गई, लिवर हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, पैनक्रियाज और इंटेस्टाइन, ये 6 जीवनदायी अंग हैं। इनमें से अगर एक भी खराब है तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, तो 6 के 6 जरूरी हैं। तो आपको मालूम है ये 2-2 हैं किडनी और लंग्स, तो एक मरने के बाद जो आदमी दान करता है तो उससे 8 लोगों की जिंदगी बड़े आराम से बचाई जा सकती है, ऐसे लोगों की, अलग अलग लोगों की। मतलब एक अपॉर्चुनिटी कि हमारे शरीर में तो एक आदमी है और वो हमारे अंग कम से कम 8 अलग अलग व्यक्तियों में जीवित रहेंगे, मतलब एक आदमी में नहीं, हमारे अंग जा रहे हैं 8 लोगों में अलग अलग। ये टिश्यूज हैं जो कि जिनको आराम से दान कर रहे 6 घंटे तक भी दान हो जाते हैं, टिश्यूज जो है 6 घंटे तक दान हो जाते हैं, तो उसमें कॉर्निया है, हार्ट वाल्व है, स्किन है, बोन है, ये काट लेते हैं। नेक्स्ट चलिए, कईयों में भ्रांतियां है कि अगर हम अंग दान करेंगे तो अगले हमें हैंडीकैप हो जाएंगे या अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा, ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो आत्मा सिर्फ जाती है ऊपर, और ये जो शरीर है ये पूरा एक मिट्टी का वो है, और ये अंग भी उसी का ही पार्ट है शरीर का। तो आपने अंग अगर दान कर देंगे लोगों के जीवन बचाने के लिए जिनकी इतनी जरूरत है, तो इससे और आपके जो एक शरीर जो है कम से कम 8 से 9 लोगों में जीवित रहता है, तो वो भी एक, तो ये सब एक कि मेरी अगर मैंने अंग दान, जिंदा आदमी जो दान करते हैं उनमें भ्रांतियां होती है कि अगर मैंने अंग दान कर लिया मेरे शादी में दिक्कत आएगी, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, या मैं मेरी कमजोरी आ जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, तो ये तो बता ही दिया कि हमारे यहाँ डोनर्स भी अवेलेबल है, इतने सारे रोड एक्सीडेंट डेथ्स होती है, वो सारे के सारे अगर वही अंग दान हो जाए तो बहुत लोगों की जीवन बच जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, जैसे अंग दान के होने के बाद अंगों को एक टाइम फ्रेम के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना होता है, नहीं तो वो अंग खराब हो जाएंगे। जैसे ही अंग ने हमने निकाला तो हार्ट जो है 4 से 6 घंटे में लग जाना चाहिए। अब है क्या कि सुविधाएं बहुत कम सेंटर में है, मान लीजिए डोनेशन हो रहा है गुवाहाटी में, तो गुवाहाटी का वहां पे कोई हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा नहीं है, मान लीजिए उस हार्ट को लेके हमें आना है दिल्ली किसी को लगाने के लिए, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि जो मैप दिखाया था कुछ ही एरियाज में हमारे या बड़े बड़े शहरों में अंग ट्रांसप्लांट की जो सुविधाएं हैं, तो और ये टाइम फ्रेम है, ज्यादा से ज्यादा किडनी है जो कि 24 घंटे तक आप चला सकते हैं निकालने के बाद, लेकिन बाकी जो अंग हैं आपका हार्ट है वो 4 घंटे के अंदर, लंग्स जो है वो भी 4 से 8 घंटे के अंदर, लिवर जो है 12 से 15 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए, नहीं तो अंग खराब हो जाता है। तो इसमें एक रेस अगेंस्ट द टाइम है, लेकिन सबसे बड़ी ये चीज सक्सेसफुल तभी होगी अगर लोग दान करने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि जो दान होके आ रहे हैं ऑर्गेन्स वो जाने तो पेशेंट तो कोई है, तो वो तो और एक टाइम फ्रेम के अंदर जाने हैं। मरने के बाद किसी भी उम्र के व्यक्ति के ऑर्गेन दान हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा पीछे हुआ है 4 दिन के बच्चे के भी ऑर्गेन दान किए हैं, गुजरात से, सूरत से, अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से 2 महीने की एक बच्ची के ऑर्गेन दान किए। ये न्यूज आपको अखबार में पढ़ने को मिलती होगी, तो 2 महीने की बच्ची के भी 4 दिन पहले हुए हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के ट्रॉमा सेंटर से। बच्ची के बड़े तो नहीं लगते, ज्यादातर बच्चे के बच्चे में ही जाते हैं,
तो जितना एज डिफरेंस कम होता है उतना ही ऑर्गेन डोनेशन सक्सेसफुल होता है। तो अडल्ट के अडल्ट में लग जाते हैं, लेकिन जिंदा आदमी के ऑर्गेन देने के लिए 18 साल से कम पे नहीं लिए जाते। जिंदा आदमी अगर ऑर्गेन डोनेट करता है तो 18 साल कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, उसके बाद ही उसके किडनी या लिवर, दो ही ऑर्गेन जो है मेनली दिए जाते हैं, किडनी या लिवर का कुछ हिस्सा। बाकी मरने के बाद किसी भी उम्र का व्यक्ति, 100 साल तक का भी व्यक्ति, लेकिन ऑर्गेन डोनेशन के लिए अस्पताल में होना जरूरी है, आईसीयू के अंदर होना जरूरी है। घर पे ऑर्गेन डोनेशन नहीं हो सकता, टिश्यूज डोनेट हो सकते हैं, जैसे आईज है 6 घंटे के अंदर तक, वो भी 6 घंटे से ज्यादा हो गए तो वो भी खराब हो जाते, फिर नहीं होते। तो कॉल सेंटर का नंबर मैंने बताया, उसको कॉल करके किसी का अंगदान कराना हो, कोई भी जानकारी लेनी, 24 घंटे कॉल सेंटर खुला हुआ। घर पे डेथ होने के सिर्फ टिश्यूज दान होते हैं, टिश्यूज में कॉर्निया है, आईज है, स्किन है और बोन्स है। बोन्स तो अस्पताल लाना पड़ेगा बॉडी को, लेकिन आमतौर पे आईज डोनेट हो जाती है घर के अंदर, वो भी मृत्यु जब हुई है उससे 6 घंटे के अंतर अंदर अंदर। तो आपको फोन करना पड़ेगा, यहाँ से हमें टीम भिजवाएंगे, वो फिर आपके यहाँ पे, मतलब जो भी सबसे नजदीक अस्पताल होगा वहां की टीम जाएगी और वो, लेकिन उसमें किसी भी तरह के कॉर्निया डोनेशन में आईज आपकी कोई कॉस्मेटिक वो नहीं होती। तो आईज जो है वो आपकी मतलब जो कॉर्निया डोनेशन हो रहा है उससे आईज में कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती, वो आपकी आई निकालते ही है तो उसमें एक आर्टिफिशियल आई डाल देते हैं, पता नहीं चलता है। स्किन भी जो निकाली जाती है वो पीछे से निकाली जाती है और थाइस के पीछे से निकाली जाती है। स्किन कहाँ काम आती है आप बता पाएंगे, कहाँ काम आती है स्किन जो डोनेट करते हैं? हाँ, जो बर्न के मरीज होते हैं, जले हुए, बहुत खासकर ज्यादा जो जल जाते हैं, तो उनमें सबसे बेस्ट जो ड्रेसिंग होती है किसी दूसरे आदमी की स्किन होती है, तो वो स्किन में मैचिंग की भी जरूरत नहीं होती, वो कोई भी आदमी की स्किन किसी पे भी लग जाती है, सबसे बेस्ट ड्रेसिंग है स्किन, वो सबसे जल्दी हील करती है बर्न्स के केसेस में। जो बुरी तरह से जल जाते हैं उसको उतार करके वो जो किसी भी डोनेटेड स्किन को लगा देते हैं और स्किन को 5 साल तक भी हम स्टोर कर सकते हैं। स्किन जो है टिश्यू बैंक में चली जाती है, वहां पे स्टोर रहती है, जैसे स्किन जो दान हुई उसको हम बहुत दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर बर्न्स के लिए यूज करते हैं, सोरियासिस के लिए नहीं कभी यूज की गई, सोरियासिस के लिए नहीं की गई, और ठीक भी नहीं होगी। वो सोरियासिस तो आपकी अंदर से आ रही है ना बीमारी, वो तो बेसिकली एक तरह की खून की खराबी की बीमारी, तो उसमें ऑटो इम्यून है, आपका ब्लड ही आपको रिएक्ट कर रहा है।